2009 में लाहौर में श्रीलंकन टीम पर दहशतगर्दी के हमले के बाद पहली बार कोई गैर मुल्की टीम पाकिस्तान आई है। तीन एक रोजा मैचों की सीरीज के पहले मैच में अफगानिस्तान की टीम पहले खेलते हुए 38 ओवर्स में सिर्फ 152 रन के मजमू स्कोर पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान ने मुकर्रर हदफ 39.5 ओवर्स में ही हासिल करके मैच 5 विकेटों से जीत लिया। अफगानिस्तान की जानिब से मोहम्मद नबी ईसा खेल ने शानदार 72 रन की इनिंग्स खेली, जिन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। उनका कहना था कि वो अगले मैच में भी कारकर्दगी बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। हम बहुत खुश हैं कि क्रिकेट शायकीन ने हमें बहुत सपोर्ट किया। वो यहाँ आए और उन्होंने हमारा मैच देखा। बदकिस्मती से हम मैच हार गए, लेकिन इंशाल्लाह हम अगला मैच जीतने की कोशिश करेंगे। अफगानी तमाशाइयों का कहना था कि उन्हें अपनी कौमी टीम को पाकिस्तान में खेलता देखकर बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट मैचों से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और आलमी बरादरी को अमन का पैगाम मिलेगा। अच्छा लग रहा है ये दोनों तरफ। एक तो ये है कि दोस्ती बहुत बढ़ जाएगी, पाक अफगान वैसे भी पहली से दोस्ती है, तो ये बहुत अच्छे है दोनों मुल्क के ताल्लुकात रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे है। 2009 के बाद जब से श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ, उसके बाद कोई टीम पाकिस्तान नहीं आई, तो ये अफगानिस्तान का एक बहुत अच्छा इकदाम है कि वो यहाँ पे आए। पाक अफगान सीरीज पाकिस्तान में बैन अल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी के लिए पहला कदम है और शायकीने क्रिकेट को उम्मीद बन चली है कि दूसरे मुल्कों की टीमें भी अफगानिस्तान की तकलीफ करेंगी।